जो टॉपिक हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको एक्सेल के अंदर नेम मैनेजर और फार्मूले के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फार्मूले मेनू के, क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सेल के सारे फार्मूले एरे भी कंप्लीट कर लिया था और आज से हमें फाइल मैनेजर और उसमें रिलेटेड कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने, जिसके लिए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फाइल मैनेजर। आपने कई बार देखा होगा मुझे, मैंने वी लुकअप में एक एरिया को फिक्स करने के लिए मैंने ये सिलेक्ट करा था, फार्मूले में गया था और यहाँ से इसका एक नाम रख दिया था, ठीक है, ताकि आपको उस चीज को बार बार यूज ना करना पड़े। तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, उसका नाम बना लेते हैं, ठीक है। इसी काम को आप फार्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं, इसी काम को कहीं किसी के साथ लिंक करने के समय यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखिए, मैं यहाँ पर एक पीएमटी का फार्मूला लगाना चाहता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पूछूं कि 14 महीने बाद उसमें मेरी पीएमटी कितनी हो गई है वो पता करना है, तो मैं बार बार फार्मूला ना लगाऊं, मैं उसका एक नाम डिफाइन कर दूं कि सामने वाला बंदा आए, उस फार्मूले को लगाए, उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाए। क्योंकि हम लोग तो एक्सेल में अवेयर हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन है जिसे एक्सेल की नॉलेज नहीं, वो क्या करें। तो उस केस में हम आपके साथ फाइल मैनेजर बना के दिखाएंगे और आप उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आज हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मान लो मैंने यहाँ वैल्यू लग दी 50,000 रुपए, रेट रख दिया 12.5%, टाइम रख दिया 3 साल और हर साल आप 12 बार पेमेंट दोगे, इस तरीके से बनाए। मुझे ईएमआई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पीएमटी, मैंने पीएमटी रखा, रेट डिवाइड बाय 12, एनपीआर इंटू 12, प्रेजेंट वैल्यू 50,000 और टोटल मेरी वैल्यू आ गई 1672.68। अब मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले को फ्रीज कर दूंगा, इसको मैंने F4 से फ्रीज कर दिया, इसको F4 से फ्रीज कर दिया और इसको F4 से फ्रीज कर दिया। अब मैंने इस फार्मूले को कॉपी करा, आज तक हम किसी एरिया का नाम डिफाइन करते थे, आज मैं आपको इसके अंदर फार्मूला डिफाइन करता हूँ। यहाँ आप जाएं, न्यू फार्मूला, आपको क्या रखना है, मैंने कहा मेरे फार्मूले का नाम होना चाहिए पीएमटी न्यू, क्लियर है, कह रहा ओके। उसके बाद और मैंने उस फार्मूले को यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। आप इस समय कोई भी एरो का यूज नहीं करना, वरना दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं करूंगा, देखो ये इस तरीके से दिक्कत करेगा, तो प्लीज आप एरो का यूज ना करके इसमें माउस का ही यूज करें और उसके बाद इसे अप्लाई करें और क्लोज कर दें। ये फार्मूला आपका डिफाइंड हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर कभी भी आपको कहीं भी इस फार्मूले को चाहिए तो बस लिखें इक्वल दबाएं, पीएमटी न्यू लिखें और किसके साथ लिंक करना है, मैंने कहा इसके साथ। तो ये देखो 14 महीने की जो आपकी पेमेंट आएगी वो 23,717 रुपए। मैंने अब इस फार्मूले को लिंक कर दिया, अब मुझे कहीं भी इस फार्मूले को चाहिए होगा तो बस मैं इक्वल दबाऊंगा, न्यू पीएमटी न्यू लिख दूंगा और किसी के साथ भी इसे लिंक कर दूंगा, ठीक है, जैसे इनटू दिस, तो मुझे यहाँ पर जो भी वैल्यू डालूंगा ये उससे इनटू करके मुझे रिजल्ट दे देगा। तो पीएमटी का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को अगेन अगेन रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा, जैसे आप कभी कई बार फार्मूला लगा रहे हो, जैसे आपको याद होगा मैंने एक वी लुकअप सिखाया था, वी लुकअप था, इस वी लुकअप में क्या था, हमें हर बार जब लुकअप करना होता था तो हमें इस डाटा को ही लेना होता था। तो मैंने क्या करा था, इस पूरे डाटा का एक नाम डिफाइन कर दिया, मैं यहाँ गया और मैंने लिख दिया डाटा। तो अब इस पूरे का नाम क्या हो गया, डाटा। अगर आपको देखना है तो अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबाओ तो यहाँ पर देखो एक डाटा बन के आ गया। अब इसका बेनिफिट ये कि जब भी तुम यहाँ वी लुकअप लगाओगे तो आपको वहां जाके उसका लिंक नहीं करना, बस यहाँ पर डाटा लिख देना है। डाटा लिखोगे तो एरिया अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कॉलम नंबर (0), आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो नेम मैनेजर का ये फायदा है कि आप किसी चीज को बार बार ना करो, उसका एक नाम डिफाइन कर दो और अगेन उस नाम को यूज करो, क्लियर है।
इसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके साथ। मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दी और मैंने यहाँ पर इक्वल दबा के रैन बिटवीन का फार्मूला लिखा। मैंने कहा रैन बिटवीन एक से लेकर कितनी 400 नंबर तक की मुझे वैल्यू दे दो। तो इसने मुझे 400 नंबर तक की वैल्यू दे दी। इसके बाद मैंने इसे कॉपी करा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया। क्लियर। अब मुझे इस एरिया का हमेशा सम करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाके भी नाम डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा डाटा डाटा वन कर दिया। क्लियर। अब मुझे इसका कभी भी सम करना होगा तो मैं इक्वल दबाऊंगा, लिखूंगा सम और सम के अंदर डाल दूंगा डाटा वन। जैसे ही डाटा वन लिखूंगा तो देखो वो एरिया अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा और बस आपको इंटर मार देना इस तरीके से। तो ये आपका काम इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके से एक्सेल में यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे सर मुझे ना एक फार्मूला लगाना है, मुझे कई बार लोग इंसेंटिव देना पड़ता है लोगों को, और मेरा इंसेंटिव का ये तरीका होता है कि मैं 40 तक जिसका होगा उसको 10 रुपए दूंगा, 41 से 80 होगा तो 20 रुपए, 81 से 100 होगा तो 30 रुपए, और ग्रेटर देन 100 होगा तो मैं उसे 40 रुपए दूंगा। और ये मुझे इफ की तरह करना होता है। तो मैंने यहाँ इफ लगाया, मैंने कहा इफ अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40 है तो मुझे क्या देना, 10 देना। मैंने कहा इफ अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 है तो मुझे 20 देना। फिर मैंने बोला इफ अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 है तो मुझे 30 देना। फिर बोला इफ अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो तुम मुझे 40 देना। इस तरीके से लगाया, मुझे रिजल्ट मिल गया। इसके बाद मैंने बोला अगर कोई वैल्यू 80 और 90 के बीच में आती है तो मैं उससे 800 रुपये दूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इफ अगर ये वैल्यू, इसके साथ क्या यूज करूंगा, एंड। मैंने कहा एंड अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी, 80, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी है, 90, तो आप मुझे कितना दे देना, 800, अदरवाइज कितना दे देना, 0। इस तरीके से अगर ये वैल्यू 80 और 90 के बीच में आएगी तो मुझे 800 मिलेगा, अदरवाइज 800 नहीं मिलेगा। अब इन दोनों को लिंक करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, दिस प्लस दिस, मैंने जोड़ दिया। और मर्ज करने के लिए इस फार्मूले को कॉपी करूंगा और यहां जाके मैं B2 के अंदर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूं, और इसी को भी इस तरीके से कॉपी करूंगा और वहां जाकर C2 पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। मेरा काम हो गया, इसको हटाया इसको हटाया, और मैंने कंट्रोल एक्स करके और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब कहीं दिक्कत हो रही है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो दिक्कत है ना, यहाँ मैं A2 लिख देता हूँ ताकि वैल्यू दिक्कत खत्म हो। दिक्कत खत्म हो गई। अब मैं इस फार्मूले का यूज कहीं और भी करना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरे फार्मूले को कॉपी करूंगा और अब मैं ना इसे फ्रीज नहीं करूंगा। क्यों, अगर मैं फ्रीज करूंगा तो हमेशा वो A2 को लेगा, तो मैंने इसे फ्रीज नहीं करा। मैं कॉपी में गया और मैंने यहाँ एक न्यू नेम बनाया, मैंने लिखा इफ कंडीशन फार्मूला, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद नाम में इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब इसलिए दिक्कत कर रहा है क्योंकि आगे इक्वल लगा हुआ है और मैंने एक बार और इक्वल लगा दिया। मैं दोबारा करता हूँ, इसे पूरे फार्मूले को कॉपी करता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल सी, फिर नेम मैनेजर में गया, मैं न्यू नेम में आया और यहाँ पर लिखा इफ कंडीशन। इसके बाद इसको पूरे को हटाया और उसके अगेंस्ट कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, पूरा फार्मूला आ गया और पेस्ट कर दिया। अब मुझे वो फार्मूला कहीं भी यूज करना है, जैसे मुझे यहाँ यूज करना है, मैंने लिखा 50, 60, 70, 80, 90, मुझे यहाँ यूज करना है, तो बस मैं लिख दूंगा क्या, इक्वल इफ और नीचे कंडीशन। देखो अपने आप पहले से लिंक हो जाएगा, इंटर मारोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर, अपने आप। तो इसलिए हम फाइल नेम मैनेजर का यूज करते हैं जब हमें किसी का एरिया फिक्स करना है, कोई फार्मूला सेव करके रखना है, ताकि बार बार हम उस फार्मूले का यूज कर सकें और वो भी इजी तरीके से। हाँ
हम तो उसका क्या बना लेते हैं, नेम मैनेजर। इसके बाद देखो यूज इन अ फार्मूला, तो आप ये यूज कर सकते हैं डाटा वन, इफ कंडीशन, पीएमटी न्यू, ठीक है, ये बने हुए हैं। इसके बाद अगर आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, अगर आपको कोई सिलेक्शन क्रिएट करना है तो आप वो भी सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने एरिया को सिलेक्ट करके बनाया था, तो आप यहाँ पर जाके क्रिएट कर दो तो आपका फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला नहीं फाइल नेम मैनेजर बन जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा फाइल नेम मैनेजर का क्या यूज है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आता है, जैसे आपको पता होगा कि हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाई थी। अगर मुझे ये पता करना है कि अगर मुझे ये पता करना है कि मैं अगर यहाँ कोई नाम लिखता हूं, अगर मैं यहाँ कोई नाम लिखता हूं और अगर वो नाम इस डाटा में है तो वो रेड कलर से आ जाए, और अगर नहीं है तो वो येलो कलर में दिखे। समझ गए? मतलब अगर इसमें कोई नाम है तो वो रेड कलर से आ जाए, और अगर कोई नाम नहीं है तो वो जैसा है वैसा रहे। तो आपको पता होगा जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने जाओगे और किसी दूसरी शीट का रेफरेंस दोगे, जैसे मैंने बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं लगाया इफ कंडीशन, और अगर ये वैल्यू या इस पूरे एरिया की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, इस वैल्यू को कहां से ढूंढना है हमें, यहां से ढूंढना है। तो जैसे ही मैं इंटर मारूंगा और इसे सेव करूंगा, देखो ये एरर दे देगा, कहेगा कि आप कभी भी एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दूसरी शीट के साथ यूज नहीं कर सकते। अब देखो मुझे इस शीट के अंदर खड़े होके उसका आंसर चाहिए था, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप दूसरी शीट को लिंक नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका एक नाम बना लेंगे, हमने यहाँ लिखा नाम, और यहाँ से डाल देंगे कहाँ पर, फार्मूला नेम मैनेजर, और यहाँ पर न्यू नेम में जाके एक नाम डाल देंगे, क्या मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, चेक अंडरस्कोर कंडीशन, ये डाल के मैंने ओके कर दिया और क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। अगर मुझे मैन्युअली करना होता तो मैं कैसे करता, मैं करता काउंट इफ, मैं बोलता काउंट इफ इस अगर ये मुझे मैन्युअली करना होता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता काउंट इफ जो इस एरिया में वैल्यू है, ठीक है, अगर वो वैल्यू यहाँ पर बताई गई वैल्यू मिलती है, तो आपको पता है कंडीशन फॉर काउंट इफ हमें क्या करता है, अगर उस डाटा में या उस रेंज में यहाँ बताई गई वैल्यू है तो अगर जितनी बार रिपीटेड होगी उतनी बार आ जाएगी। और जैसे इंटर मार 0 बार, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या अभिलाष, तो कितनी बार है उस डाटा में, 1 बार है। अच्छा पवन, ठीक है, मैंने वो स्पेलिंग लिखी, देखो गलत, 1 बार भी नहीं है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी का बेनिफिट उठाऊंगा, कहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल्स में आऊंगा, और अब मैं यहाँ लिखूंगा काउंट इफ, अब मुझे रेंज चाहिए, रेंज में लिख दूंगा चेक अंडरस्कोर कंडीशन, ठीक है, कॉमा दिस वैल्यू, अगर ये ग्रेटर देन है कितने से, 0 से, या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब वो वहां पर डुप्लीकेट, चलो 0 से बड़ी लिख देता हूं, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो तुम मुझे क्या करके दे देना, मुझे रेड करके दे देना, ठीक है, और फॉन्ट कलर क्या करके दे देना, येलो करके दे देना, बोल्ड कर देना, 12 साइज रख देना, और ओके कर दिया। ओके ओके, अब यहाँ कोई भी नाम डालू, मैंने लिखा अभिलाष,
ठीक है, यहाँ लिखा अभिलाष, ठीक है ये देखो इसने कर दिया। मैं यहां से सारे कलर हटा देता हूं, यहां से फिल कलर नो, फॉन्ट ब्लैक लगा दिया। इसके बाद यहां गया, अब मैंने लिखा क्या, लिखा अभिलाष, ठीक है, अच्छा शायद इस नाम में है, अच्छा अमित कुमार, तो मैंने लिखा अमित कुमार। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क नहीं कर रही, न्यू रूल्स, दिस फार्मूला ग्रेटर देन 0, अप्लाई, ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे डिलीट करता हूँ और देखूँ वो क्या नाम था उस फाइल का नाम, चेक कंडीशन, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करा और अब यहाँ जाता हूँ, पहले यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर न्यू रूल्स पे जाता हूँ और दोबारा कंडीशन लगाता हूँ, क्या, काउंट इफ, अगर वो जो नाम था चेक कंडीशन, अगर ये बताई हुई वैल्यू जो यहाँ वैल्यू लिखी है अगर वो 0 से बड़ा आए तो तुम क्या कर देना, फिल कलर रेड कर देना, फॉन्ट कलर येलो कर देना और बोल्ड कर देना। ओके ओके, मैंने लिखा अमित कुमार, तो देखो इसने कर दिया। तो इस तरीके के नाम के जरिए आप यूज कर सकते हो, रोहित, तो यहाँ लिख दो रोहित, एंटर मारो, कलर लिख दो रोहित शर्मा, तो शायद देखो शर्मा नहीं होगा तो ये कलर हट जाएगा, हट गया। तो इसलिए फाइल नेम मैनेजर का ये यूज बहुत ज्यादा अच्छा है। एक चीज और बताओ, जब आप इसमें राइट क्लिक करके यहां से लोन वाली शीट ओपन करते हो ना इस तरीके से, और अगर आप इसे अनप्रोटेक्ट करोगे और जब तुम इसके फार्मूले में जाओगे तो आपको यहाँ दिखेंगे कि इसने अपने सारे फार्मूले किसके अंदर बना रखे, नेम मैनेजर के अंदर बना रखे, ताकि उस फार्मूले को बार बार यूज कर सके। तो इसलिए जब हमें शीट का ऑटोमेशन करना होता है तो हमें उन फार्मूले का पहले से ही नाम बना के रख लेना पड़ता है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। इसलिए अगर आपकी शीट बड़ी है तो उस समय आप क्या यूज कर सकते हैं, फाइल नेम मैनेजर का यूज करके अपने काम को छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आता है फार्मूला ऑडिटिंग। फार्मूला ऑडिटिंग में आता है पहले टैक्स प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये किस किस से लिंक है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, सॉरी इस पर क्लिक करूंगा, तो ये जिससे भी लिंक होगी वहां पर एक एरो की तरह मुझे शो कर देगा, क्लियर है। इसके बाद अगर मुझे पता करना है ये टू किसके डिपेंडेंट है, तो क्लिक कर दो, सॉरी ये टू किसके डिपेंडेंट है, तो देखो जिस जिससे भी ये डिपेंडेंट होगा ये बता देगा कि ये टू इस इससे डिपेंडेंट है। अगर आपको हटाना है तो रिमूव एरो कर दो तो हट जाएगा। इसके बाद आता है शो फार्मूला, तो जहां जहां फार्मूला लगा होगा ये आपको शो कर देगा फार्मूला, आपको फार्मूला हटाना है तो इस पे क्लिक कर दो, फार्मूला हट जाएगा। इसके बाद आता है चेक एरर, अगर आपको एक्सेल में कहीं गलती लिखी हुई या कहीं एरर है तो आपको चेक करनी, तो पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंगल कोटेशन मार्क लिखाया और लिख दिया 142, यहाँ मैंने एनए की एरर डाल दी, किसकी, एनए की एरर डाल दी। अब मुझे पता करना है कि इस डाटा में, या फिर एक 50 को 0 से डिवाइड कर दिया, अब मुझे पता करना है एक्सेल में कहाँ कहाँ एरर है, तो मैं चेक एरर पे जाऊंगा। देखो सबसे पहली एरर है कौन सी, नंबर, कह रहा है कन्वर्ट टू नंबर, मैंने कहा कर दे नंबर, कह रहा है दूसरी एरर ये है, मैंने कहा ओके, हेल्प ऑन दिस एरर, मैंने कहा नो, इग्नोर एरर, तो इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद एनए कभी भी कंसीडर नहीं करता, याद रखना चेक एरर में कभी भी आपको एनए की एरर कोई कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीन एरर लिखकर दिखाई थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो का यूज आप तब करोगे जब असल में आपको किसी का रिकंसिलेशन करना हो। जैसे मैं किसी का रिकंसिलेशन कर रहा था, हम रिकंसिलेशन दो तरीके से करते हैं, जैसे मुझे यहाँ गलती मिली तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, इस तरीके से मुझे यहाँ गलती मिली तो मैंने इसे हाईलाइट कर लिया, मुझे यहाँ गलती मिली मैंने यहाँ हाईलाइट कर लिया, मुझे यहाँ गलती मिली मैंने यहाँ हाईलाइट कर लिया। जब सर आए तो मुझे बताना पड़ता है सर यहाँ पर, सर यहाँ पर, सर यहाँ पर, ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि
एक लिंक बन जाए कि जब मैं उस पर क्लिक करूं तो गलती वहां पहुंच जाए। तो उसके लिए आप फार्मूला में जाएं और उसके बाद वॉच विंडो पर आएं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है वॉच विंडो, तो आप पहले से क्लोज करें, वॉच विंडो पर जाएं और इसे यहाँ से ड्रैग कर लें। इसके बाद सबसे पहले आता है बुक, मैंने कहा बुक ऐड। अच्छा करा, किसको करना चाहते हो? ये पूरी सीट में गलती है, तो मैंने इसे ओके करा, तो यहाँ एक लिंक बन गया। देखो पूरी शीट का तो नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट 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 और डिलीट, इतना हो गया। अब मैंने क्लिक करा ऐड और मैंने कहा सर यहाँ गलती है, इस वैल्यू में गलती है, ओके सर इस वैल्यू में गलती है, ओके सर इस वैल्यू में गलती है, ओके सर इस वैल्यू में गलती है, ओके। ठीक है, अब जब सर आएंगे तो बस मुझे इस पर डबल क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, और जो जो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए उसको डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ और डिलीट करते जाओ। तो इस तरीके से आप वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेल में वॉच विंडो चाहिए तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो कई बार हमें रिकंसिलेशन करते वक्त वॉच विंडो की मदद चाहिए होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कैलकुलेशन मोड। अगर आपने एक्सेल में ऑटोमेटिक कर रखा होगा तो आप जब भी, जैसे मैं 50 प्लस 80 दोनों को जोड़ूं कितना आएगा, 130, अब मैं इसको जब भी अपडेट करूं ऑटोमेटिक ये मुझे शो कर देगा। तो इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिक है। लेकिन कई बार जब हमारे डाटा में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, हमारी फाइल बहुत हैवी होती है, तो उस समय हम उसे मैन्युअली मोड पर रखते हैं और दिन में एक बार जाके उसे ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे मैं अभी इसे मैन्युअली मोड पर रख दूं और यहाँ पर मैं जब भी कुछ भी चेंज करूंगा कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑटोमेटिक में करूंगा ये अपने आप शो हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से भी ऑटोमेटिक मोड कर सकते हैं, कैलकुलेट नाउ। ठीक है, जैसे आपने यहाँ मैन्युअली कर दिया, अब आपने यहाँ चेंज करा, आप चाहते हैं अपडेट हो जाए तो आप कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करें तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरी शीट को करना है तो कैलकुलेट शीट, तो पूरी शीट कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो आज हमने आपके साथ एक्सेल में फार्मूला मेनू फिनिश कर लिया। कल से हम आपके साथ डाटा टैब को स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।